I'm your host Sleeman Mohammed Rafi and this is my YouTube channel Zameer Universe. Today I'm going to talk to you about the butcher of Gujarat, one of the dirtiest, filthiest, the cow urine drinker and cow dung eater who boasts about his 52 centimeter chest and who is a tea vendor. He's the lowest of the lowest. He's the liar of the first degree. He is a dictator who has killed his chief of army staff. Then he killed anybody who speaks and has a different view. He just kills them. He is trying to kill every Muslim on the surface of India and every Dalit, every Christian, every other caste except he wants Hindu, and that special type of Hindus who are not pure Hindus. They are the extremists, killers, murderers fighting in, look at that, in Gaza, going, and he's sending his men over there to go and fight in the IDF. This is the Indian Defense Force, part of that, you know. So you can see the dirt and filth of that. And you see the enemies just next door. The China is going to break him, break his neck, stop it. And Indians, you people have a chance. Are you crazy to get this man elected again? Are you going to commit suicide and say nothing? Are you going to now, with your vote, that's the only power you have to get rid of this rascal, this traitor, this dictator, the most corrupt. See, look at the list of the corrupt people in the world. Along with Nawaz Sharif, he is the corruptest Putin, and then in the list you find Narendra Modi's name. So for God's sake, don't vote for this man, this butcher. Even in his own party, they want it to be a disaster and take you back in 1923. That's how far it will take you back to that kind of a Hindu religion he wants, which thousands of years is going to take you back. So look now, don't vote for him. And even if you vote for him, get rid of him. He should never, never be there for the third term. Otherwise, you are all ruined. अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन पूरी दुनिया में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो, खुद घूमते हैं 12 करोड़ की मर्सिडीज, मतलब भिक्षा मांगकर यहाँ पर फॉरेन टूर भी कर लिए और डिजिटल कैमरा भी खरीद लिया डिजिटल कैमरा के रिलीज होने से पहले? और नरेंद्र मोदी अपने आप को गरीब ही नहीं, बहुत गरीब परिवार का बताते हैं। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। वाह, क्या फकीरी है। वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। सच तो ये है दोस्तों कि ये लोग हमारे हिंदू धर्म को ही तोड़ने मरोड़ने लग गए अपने नफरत खोर एजेंडा को फैलाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जर्नलिस्ट अनिल यादव एक बीजेपी वर्कर मंगल वाजपेयी से बात कर रहे थे कानपुर में। मंगल एक लोडर का काम करते हैं, यानी गाड़ियों में सामान चढ़ाने का काम करते हैं। क्या नाम बताएं? योगी साहब, मेरा मंगल वाजपेयी। मंगल वाजपेयी है, यहाँ लोडर का काम करवाते हैं। साथ ही साथ ये बीजेपी एमएलए महेश त्रिवेदी के लिए वॉलंटियर भी करते हैं। ये उम्मीद जता रहे थे कि बीजेपी इस बार 400 पार करेगी। चुनाव में किसका माहौल है? बीजेपी जीतेगी 400 के ऊपर। लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है, मंगल अपनी परेशानियों के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि उनके पास बिजली नहीं, सीवर की व्यवस्था नहीं। हमारे पास बिजली नहीं है घर में, हमारे पास लैट्रिन घर में नहीं है, हमारे पास सीवर व्यवस्था नहीं है। उन्होंने बीजेपी एमएलए महेश त्रिवेदी को कई बार कहा, हमने महेश त्रिवेदी से भी कई बार कहा कि 20 फुट पाइप पड़ना है, तो अगर पड़ जाए तो हमारे घर की सीवर व्यवस्था बन जाए। नहीं बन पाई। उन्हें कुछ भी नहीं मिला और ना ही उन्हें कुछ मिलने की उम्मीद है। त्याग तपस्या की मूर्ति है कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, लेकिन उसके बावजूद कोई शिकायत नहीं, कोई है शिकायत। और ना कोई उम्मीद है मिलने की, और ना उम्मीद है मिलने की। लेकिन फिर भी वो खुद को भाजपा का भक्त कहते हैं। लेकिन ये तो कहा जाता है ना कि भूखे पेट ना होए भजन गोपाला। इस पर मंगल वाजपेयी जवाब देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आदमी बालू खाकर भी पेट भर सकता है, यानी कि मिट्टी खाकर भी पेट भर सकता है। सब हो जाता है अगर संत चहलेगा, अगर संत चहलेगा तो सब हो जाता है, बालू खाकर पेट भर लेता है। इन्हें कोई शिकायत नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी को ये परमात्मा मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पॉलिटिशियन को लेकर लोग इतने अंधे हो गए हैं? और ये इकलौते नहीं है, मैंने पिछले वीडियो में आपको उसके कई और उदाहरण दिए थे। बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता दें। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त है, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त है। महंगाई मेरे हिसाब से कोई ज्यादा नहीं हुई, अब मैं 10 साल से बनियान नहीं पहन रहा, ये देखो आप। वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। ऐसा हुआ है इमोशनल मैनिपुलेशन और
ब्रेन वॉशिंग की वजह से एक बड़े स्केल पर देश में लोगों का ब्रेन वॉश किया गया है। और जो माफिया यहाँ पर ब्रेन वॉश कर रहा है लोगों का, वो चार डिपार्टमेंट्स पर काम करता है। पहला डिपार्टमेंट लोगों में गर्व और अहंकार भरता है कि आप महान हो क्योंकि आप हिंदू धर्म में पैदा हुए। दूसरा डिपार्टमेंट आपको एहसास दिलाता है विक्टिमाइजेशन का, कि सदियों से हजार सालों से आपके पूर्वज विक्टिम बनकर रहे थे। तीसरा डिपार्टमेंट आपके अंदर डर भरता है कि आपको खतरा है उन लोगों से। और चौथा डिपार्टमेंट यहाँ नरेंद्र मोदी को मसीहा बनाता है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी ही आपको बचा सकते हैं। पर्सनालिटी, कैसे इनके इतने सारे फेलियर्स के बाद भी लोगों को इमोशनली मैनिपुलेट किया जाता है कि लोग इन्हें भगवान मान बैठे। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। जून 2013 की बात है दोस्तों। राइटर नीलांजन मुखोपाध्याय ने एक किताब लिखी नरेंद्र मोदी के ऊपर। ये एक बायोग्राफी थी। इस किताब में लिखा गया कि कैसे नरेंद्र मोदी जब 6 साल के थे, वडनगर रेलवे स्टेशन पर गुजरात में वो चाय बेचा करते थे। ये चाय बेचने वाला किस्सा तभी से लेकर नरेंद्र मोदी की संघर्ष की कहानी का ये एक मेजर टॉकिंग पॉइंट रहा है। 2015 में जब टाइम मैगजीन ने प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बताया कि कैसे वो एक बहुत गरीब परिवार से आते थे, कैसे बचपन में वो चाय बेचा करते थे रेलवे स्टेशन पर। इनकी एग्जैक्ट लाइनें सुनिए। मैं पॉवर्टी में पैदा हुआ हूँ। बचपन में मेरा पूरा बचपन पॉवर्टी में बीता है। मेरे लिए पॉवर्टी एक तरीके की पहली इंस्पिरेशन थी मेरी जिंदगी में। लेकिन कितनी सच्चाई है इन बातों में, बहुत से लोगों ने टाइम टू टाइम सवाल उठाए हैं। जैसे कि नरेंद्र मोदी के बचपन की ये फोटो देखिए। वे 1950 यानी 1950 में पैदा हुए थे। क्या उस समय किसी गरीब परिवार में पैदा हुए बच्चे के पास ऐसे कपड़े होंगे? जरा खुद ही सोचकर देखिए, सूट तक पहन रखे हैं इन्होंने अपनी बचपन की फोटोज में। मैं खुद 1994 में एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ हूं, लेकिन मेरी तो बचपन की ऐसी कोई फोटो नहीं मिलेगी आपको जिसमें मैंने कोई सूट पहन रखा। और नरेंद्र मोदी अपने आप को गरीब ही नहीं, बहुत गरीब परिवार का बताते हैं। इंडिया टुडे ने इनकी पुराने घर की एक फोटो पब्लिश करी थी, स्क्रीन पर देखिए। बहुत बड़ा घर नहीं है, लेकिन क्या आपको ये 1950s के किसी बहुत गरीब परिवार का घर दिखता है? परिवार में नरेंद्र मोदी के 5 भाई और 1 बहन है। 2 साल पहले नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी ने कहा था कि उन 5 भाइयों में से जिसका नंबर लगता था वो मदद करने चले जाता था। उनके पिता ने पूरी जिंदगी चाय बेची, उन 5 भाइयों और 1 बहन को बड़ा किया, इसलिए नरेंद्र मोदी को चाय बेचने वाले का बेटा कहना चाहिए। ये पत्रकारों की गलती है। सब भाइयों ने चाय बेची है, मेरे पिता ने पूरी जिंदगी चाय बेची, पूरी जिंदगी। इसीलिए कहा जाए तो चाय बेचने वाले का बेटा कहना चाहिए, चाय बेचने वाला नहीं कहना चाहिए। तौर पे बात करें, कंबोडिया का जो डिक्टेटर था पोल पॉट, वो एक अमीर खानदान से आता था। लेकिन इटालियन डिक्टेटर बेनिटो मुसोलिनी एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। उसके पिता एक ब्लैकस्मिथ थे और वो बड़े गर्व के साथ इन चीजों को प्राउडली एक्सप्रेस करता था कि कैसे वो जनता के बीच से निकल कर आया है। रशियन डिक्टेटर जोसेफ स्टालिन के पिता एक मोची थे यानी जूते बनाने वाले, और माँ एक धोबिन थी। और दुनिया का सबसे जाना माना तानाशाह हिटलर भी एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। लेकिन गरीब परिवार में पैदा होने का मतलब ये नहीं कि उसने गरीबों के लिए काम किया था अपने करियर में। उल्टा जानते हो क्या, हिटलर चंदा धंधा का मॉडल चलाता था अपना खुद का। उसके समय में बहुत सी क्रोनी कैपिटलिस्ट कंपनियों ने करोड़ों का प्रॉफिट कमाया। आईजी फार्बन, डॉयचे बैंक, बीएमडब्ल्यू, कुछ गाड़ियों की कंपनीज जिनको आज आप जानते हैं, और कुछ लोग इन गाड़ियों के पीछे बड़ा भागते हैं, पोर्शे, मर्सिडीज बेंज, फोल्क्सवैगन के साथ मिले हुए हैं। घोषित करें इस चुनाव में अंबानी अडानी से इतना माल उठाया है। मार्च में आई इस रिपोर्ट को देखिए। भारत में इनकम इनइक्वालिटी 100 साल में सबसे ज्यादा हो गई है। इतनी बुरी हालत अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं होती थी। ऐसे में अगर राहुल गांधी ने संकल्प लिया कि अगले 5 सालों में वो सभी 22 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी से निकाल देंगे तो इसमें क्या गलत किया? लेकिन पीएम मोदी इस बात पर भी तंज कसने लगे। उनके पास खुद कोई अपना विजन नहीं है। 80 करोड़ लोगों के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया और अगले 5 सालों के लिए यही 5 किलो अनाज वाली स्कीम एक्सटेंड कर दी। ना रोजगार का कोई प्लान बताया है, ना महंगाई कंट्रोल कैसे होगी ये बताया, गरीबी कैसे हटेगी ये बताया। और जब राहुल गांधी ने सबके लिए रोजगार की बात करी तो प्रधानमंत्री मोदी उनका मजाक उड़ाने लग गए। कांग्रेस के शहजादे ने अभी घोषणा की, आप भी सुनकर के हंसोगे, सुनाऊं? जोरों से हंसना पड़ेगा आपको। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? फरवरी 2020 में गुजरात में नमस्ते ट्रंप इवेंट हुआ था तो गरीबों को छुपाने के लिए एक 1600 फुट लंबी दीवार बनाई गई थी। जरा खुद सोचकर देखो, 1995 से लेकर 2020 25 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार थी, जिनमें से 3 बार तो खुद नरेंद्र मोदी ही चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन इनसे गरीबी नहीं हटाई गई, उल्टा ये गरीबों को छुपा। आपने फोटोज और वीडियोज में जरूर देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी माता जी से मिलने जाया करते थे।
थे, जो कि अच्छी बात है, लेकिन कभी आपने नोटिस किया कि केवल वहां 3 लोग होते थे इस मुलाकात में? प्रधानमंत्री मोदी, उनकी माता जी और कैमरामैन। कभी कभार इस पर्सनल बात को बीच में लाते हैं इसे अचीवमेंट के तौर पर दिखाने के लिए। देश के लिए पत्नी को छोड़ दिया, कोई सेंस है इस बात का? पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने तो अपने निमंत्रित किया गया, लेकिन उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया? तो सुनिए उन्होंने क्या कहा था। नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री का शपथ ली थी, तब देश में से कई लोग गए थे, तब आपको न्योता मिला था या आपको जाने की इच्छा हुई थी? इच्छा तो सबको होती है, पर अफसोस है कि हमें इनविटेशन नहीं दिया गया। G20 की थीम रखी गई थी वसुदेव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार। 2 में तब उनकी उम्र होगी 52 ईयर्स, लेकिन उससे पहले 90s में ही पता नहीं कैसे उन्होंने फॉरेन टूर्स कर लिए। ये फोटोज देखो उनकी, आईफिल टावर के सामने पेरिस में, व्हाइट हाउस के सामने अमेरिका में, हॉलीवुड के सामने, लंदन गए वो, मलेशिया गए। क्या 40 साल भिक्षा मांगकर इतने पैसे कमाए जा सकते हैं कि फॉरेन के टूर्स कर ले 90s में? और साथ ही साथ इसी बीच में नरेंद्र मोदी ने BA और MA की 2 डिग्रीज भी कर ली अलेजिडली। ये कैसे हो गया आप ही बताओ दोस्तों। साल 1990 में डायकॉम मॉडल 1 रिलीज हुआ था, जो कि US में लॉन्च होने वाला दुनिया का पहला कमर्शियली अवेलेबल डिजिटल कैमरा था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्होंने पहली बार डिजिटल कैमरा 1987 या 1988 में यूज किया था। मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में। मतलब भिक्षा मांगकर यहाँ पर फॉरेन टूर भी कर लिए और डिजिटल कैमरा भी खरीद लिया डिजिटल कैमरा के रिलीज होने से पहले। वाह, क्या फकीरी है। वाह मोदी जी, वाह वाह। अपनी कलम को गिरवी रख चुका एक गीतकार कहता है कि फकीरी है आपके स्वभाव में। एक फकीरी है आपके स्वभाव में। कभी नरेंद्र मोदी खुद ही कहते हैं कि हम तो फकीर आदमी है, झोला उठाकर चल पड़ेंगे। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन पूरी दुनिया में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो, अपनी बूढ़ी माँ को नोटबंदी के लिए लाइन में खड़ा कर दिया और खुद घूमते हैं 12 करोड़ की मर्सिडीज में? एक तरफ तो शास्त्री जी जैसे प्रधानमंत्री देखे हैं देश ने, बताया जाता है कि उनके पास सिर्फ 2 धोती और 2 कुर्ते हुआ करते थे। कुर्ता फटकर इस्तेमाल करने लायक ना रहे तो उसे भी रुमाल बना लेते थे लाल बहादुर शास्त्री जी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की US विजिट की इन फोटोज को देखिए, एक दिन में 4 बार कपड़े बदलते हैं। द प्रिंट में लिखे गए इस आर्टिकल को देखिए, उत्तराखंड और हिमाचल जाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 8 घंटे में 4 बार कपड़े बदले। इस टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल को देखिए, प्रधानमंत्री मोदी गंगा आरती करने गए तब भी कपड़े बदलते जा रहे हैं। हुबली टाइम्स वालों ने तो इनकी फैंसी ड्रेस का एक पूरा कोलाज बना दिया। इंडिया टुडे ने भी इनकी 22 हेडगियर्स की कलेक्शन दिखाई है इस आर्टिकल में, और इस इंडियन एक्सप्रेस के कोलाज को भी देखिए। अगर ये फकीरी वाली बात भी नहीं बैठती लोगों में, तो इस सब के बाद अगला हथियार आता है कि इनको भगवान का अवतार ही बना दो। ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कितनी बार कितने नेताओं ने बार बार प्रधानमंत्री मोदी को भगवान से कंपेयर किया है। पर मोदी जी भारत में भगवान का वरदान बन के आए हैं। भगवान नहीं, मनुष्य के रूप में नरेंद्र मोदी जी के रूप में अवतार लिया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो खुद भगवान स्वरूप है, मोदी जी के रूप में श्री रामचंद्र ने जन्म लिया है। मोदी जी है ना साक्षात भगवान महाकाल जी का अवतार है। मोदी राम और अमित शाह कृष्ण। अरे कुछ लोग तो मंदिर भी बनाने लग गए। पुणे में एक BJP वर्कर ने नरेंद्र मोदी के लिए मंदिर बना दिया, गुजरात में इनका एक मंदिर बना, तमिलनाडु में इनके लिए एक मंदिर बना। क्या मजाक चल रहा है? ये इकलौते नेता नहीं है जिन्हें भगवान से कंपेयर किया जाता है। एक समय पर एडोल्फ हिटलर को भी जीसस से कंपेयर किया जाता था। राजनीति में हिटलर की एंट्री की तुलना की जाती थी जीसस के रिजरेक्शन से। लेकिन उस समय ये सवाल उठा कि ये बात जमेगी कैसे? जीसस तो शांति की मूरत थे, सूली पर भी चढ़ाया गया उन्हें, तब भी उनके दिल में कोई नफरत नहीं थी। बोले कि हे भगवान उन्हें माफ करना। जबकि हिटलर तो नफरत का सौदागर था, तो कैसे जीसस का इस्तेमाल किया जाए नफरत फैलाने के लिए और हिटलर को उससे भी कंपेयर किया जाए? इसके लिए हिटलर और नाजी लोगों ने बाइबल को ही बदल डाला। मजाक नहीं कर रहा, ओल्ड टेस्टामेंट जो थी बाइबल की उसे ही हटा दिया गया उनके समय। जीसस को इस तरीके से चित्रित किया गया कि वो ऐसा लगे कि वो यहूदियों के खिलाफ लड़ने वाले एक फाइटर हो। सिमिलरली BJP के लोग बार बार नरेंद्र मोदी को भगवान का अवतार करके पुकारते हैं। लेकिन यहाँ भी दिक्कत वही आ जाती है कि नरेंद्र मोदी तो नफरत फैलाते हैं, लेकिन श्री राम की सूरत में दिखती है विनम्रता, सौम्यता, करुणा। राजा रवि वर्मा की इस आइकॉनिक पेंटिंग को देखिए, राम दरबार, जो कि हमारे देश के करोड़ों घरों में लगी हुई है। इस प्रॉब्लम का समाधान ढूंढने के लिए इनके लोगों ने राम की सूरत बदलनी शुरू कर दी। पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा ये एंग्री हनुमान और एंग्री राम की आइकोनोग्राफी। गाड़ियों के पीछे इसे लगाया जाता है ये दर्शाने के लिए कि ये है असली में भगवान राम। चरित्र ही बदल दो भगवान का। रामायण में मुसलमानों का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इन लोगों ने रामायण को भी तोड़ मरोड़ दिया अपने नफरत खोर एजेंडा के लिए। 2016 में एक BJP MP ने कहा कि मुसलमान तो रावण के डिसेंडेंट्स हैं। व्हाट्सएप माफिया वालों ने हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स
में एक झूठा कोट इंसर्ट कर दिया, धर्म हिंसा तथैवच, जो चीज किसी वेद पुराण में नहीं थी, किसी रामायण महाभारत में नहीं थी, इन्होंने जबरदस्ती अपना नफरत खोर एजेंडा बीच में घुसा दिया उसके। धर्म हिंसा तथैवच, आपको जान करके आनंद होगा कि ये किसी भी ग्रंथ में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, और इससे आपके रोंगटे भी खड़े हो जाने चाहिए कि ये कौन सी सेंट्रलाइज्ड कॉन्स्पिरेसी यूनिट है जो इतनी बड़ी बड़ी साजिशें करती है कि जो बात धर्म ग्रंथ में लिखी भी नहीं हुई है उसको संस्कृत में लिख करके उसको चारों तरफ व्हाट्सएप से और दूसरे जरियों से फैला देती। सच तो ये है दोस्तों कि ये लोग हमारे हिंदू धर्म को ही तोड़ने मरोड़ने लग गए अपने नफरत खोर एजेंडा को फैलाने के लिए। लेकिन अब बहुत से हिंदुओं को इनका एजेंडा समझ में आ गया है। इस तरीके का हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करना लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए ये कार्ड भी अब फेल होता जा रहा है। तो यूनिवर्सल टेलीविजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसके बाद बेल बटन पे क्लिक करें और अपने कमेंट्स के सेक्शन में अपने कीमती जो ख्यालात का इजहार जरूर